तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार? कैसी है बेल आर्मी? जानता हूँ बहुत लेट वीडियो आ रही है, बट फाइनली अब रेगुलर रहूंगा। अभी थोड़ा बिजी था, वापस से हम लोग खेलने जा रहे हैं। वापस से नहीं, मतलब BGMI खेलने जा रहे हैं पहली बार, मतलब यूट्यूब के लिए। वैसे तो मैं खेलते रहता हूँ, तो चलो उतरते हैं यासना, बिकॉज लॉबी अच्छी आई है। कुछ कुछ क्लिप्स मैंने बीच में फास्ट फॉरवर्ड किया, बिकॉज बहुत लंबा चौड़ा गेम प्ले था। दैट्स वाई कुछ कुछ किल्स वाले गेम प्ले, जैसे कि और मैं नूब हूँ तो कोई जज नहीं करेगा कि मैं कितना नूब जैसा खेल रहा हूँ, समझे? बिकॉज मुझे खेलना नहीं आता। तो उतरते हैं, हमें मिल चुकी है एक डिजर्ट ईगल, जिसका हमें लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हम ये फेंक ही देंगे। मैं यहाँ बंदे स्पॉट करना चाहता था, बट कोई मुझे दिखा नहीं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी गन्स ढूंढे, और यहाँ मुझे आती M762 मिल जाती है। आगे यहाँ से मुझे मिल गई मेरी M762, और मैं चाहता था कि सामने वाले घर में बंदे हैं शायद से, क्योंकि मेरे पास है एक पेड़ ESP। मजाक कर रहा हूँ, ESP नहीं है, बस मैं सोचा बंदे मिलेंगे। इधर मुझे मिलती है Mini-14 और फार्मर्स, बट मैं Mini-14 ले लेता हूँ, लॉन्ग रेंज के लिए अच्छे। सामने मुझे बंदा दौड़ते हुए दिखता है, वो भी नंगा, तो मेरे को लगा इसके पास गन होगी नहीं, तो मैं उस पर रस करता हूँ सीधा बिना किसी देरी लगाए। देखो फिर से निकला वो, यहाँ छुपा हुआ था। इसको मारते हैं, मुझे सामने वाले घर से फुटस्टेप्स की साउंड आती है। मैं तो बिना देरी के वह सामने वाले घर में घुसता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि उसके पास गन नहीं होगा, सो मैं पहले उसको स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। और ये भी इजीली मर जाता है, बिकॉज बॉट जैसी हरकतें कर रहा था। यहाँ से 2 किल लेने के बाद हम लोग थोड़ा लूटपाट करके निकलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से हमें बॉट फायरिंग आ रही थी, बॉट ही थे शायद से। ये देखना मेरी ESP काम करेंगे। पेड़ों के पीछे मार दिया मैंने, बट ठीक है, वो बंदा दिख भी रहा था बाय द वे। और उसकी हियरिंग, उधर से नेड की साउंड आती है मेरे को, बट मैं अभी वहाँ गया नहीं, फिनिश करने में लग गया, बिकॉज किल इंपॉर्टेंट है भाई। सामने एक बंदा रेंगते हुए दिखा मेरे को, तो सोचा उसको फिनिश ही कर दो, उसका भी किल ले लूं, एक ही बुलेट में खत्म, और इसको भी खत्म कर दिया। Awesome. फिर मैं पीछे की तरफ आके आगे नेड देखा मेरे को, नेड फूटा हुआ मिला। फिर मैं गया आगे की तरफ रश करने, वहां मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ, बट मार नहीं पाया मैं। फिर मैं आगे आ गया, फिर यही बंदा था जो हम लोग को वहां दिखा था, बिकॉज ये स्पॉट हो चुका था मेरे को। मैंने इसको नॉक कर दिया, मैं इसको फिनिश करना चाहता था, और मेरे को डर भी था कहीं इसका टीममेट मारना दे, तो सो मैं हाइड करके मार रहा था उसको। फिर मैं यहाँ इसको फिनिश करके आगे की तरफ निकलता हूँ, फिर मैं आगे की तरफ जाता हूँ, मेरे को बंदे स्पॉट नहीं होते, बट मैं इस घर में चल जाता हूँ जस्ट बिकॉज मेरे को लगा कि सामने वाले घर में बंदे होंगे मे बी। एक तो मेरे टीममेट्स मेरे से इतने दूर है, बिकॉज रैंडम टीममेट्स क्या कर सकते हैं, और मेरे पास एक अच्छी टीम भी नहीं है। मैंने एक यूट्यूबर को मैसेज किया था, बट वो रिप्लाई नहीं दिए, सो कोई नहीं, टीम बना लूँगा। सामने वाले घर से फुटस्टेप्स आ रहे थे, सो मेरे को लगा कि सामने बंदे थे, बट कोई था नहीं वहाँ पे। फिर मैं चले जाता हूँ बैकफुट पे, बट फिर से मेरे को नॉइस आती, तो मैंने अपने फ़ोन की वॉल्यूम बढ़ा के देखी, तो यस आ रही थी वॉइस, तो मैं गया उधर चेक करने। मैंने सोचा कि पहले रश करते सीधा उस घर पे, तो मैं गया सीधा रश करने, हिम्मत में कि एकदम कूद के मार दूंगा। फिर मेरे वहाँ जाते मेरे को 2 फुटस्टेप्स आए, तो मैं डर के मारे दूसरे वाले घर में चला गया। दूसरे वाले घर में जाके मैंने सोचा कि इस वाले घर में रश करूंगा, यहाँ मुझे बंदे स्पॉट हो जाएंगे। देखते हैं अब मेरे को कितना टाइम लगता है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, बिकॉज मेरे को उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, मेरे को लग रहा है उसको ढूंढने में मेरे को बहुत टाइम, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जल्दी जल्दी। फाइनली इस घर में आते हैं, मेरे को यहाँ पे फाइनली फुटस्टेप्स आए, फायरिंग आई, देखो फायरिंग है, बट मेरे को स्पॉट नहीं हुआ वो कहाँ से मार रहा था, बिकॉज बहुत गंदा वाला कैम्प किया हुआ था। फिर मैं पूरा ट्राई करने के बाद, पूरा ढूंढने के बाद, फिर भी मेरे को कोई नहीं मिला। वापस से मैं अपने खोज पे निकल गया, कोई मिला नहीं, तो फिर पूरी घूम घाम करने के बाद मैं देखो वापस इसी घर में आ गया ढूंढने बंदे, बिकॉज मेरे को ढूंढना था, वो मिल ही नहीं रहा था एटलीस्ट यार। देखो पूरा ढूंढा, फिर फाइनली मेरे को यहाँ पे फाइनली मिला, देखना कौन मिलेगा मेरे को। फाइनली यहाँ मैं होल्ड किया, बिकॉज यहाँ सामने से फुटस्टेप्स आए थे, FPP में स्विच किया, बट कुछ देखो मिल गया फाइनली, कौन था? और बॉट। फिर मैंने जैसे ही आ गया, ओह यहाँ पे एक और बंदा कैंप कर रखा था, बॉट ने मेरी हेल्प कर दी, तो यहाँ से मेरे को 2 किल इजीली मिल गए, 7 किल हो गए। और थोड़ा लूटते, मेरे को साइड से भी फुटस्टेप्स आ गए, बिकॉज कोई शॉट गन लेके भाई आ रहा था मेरे ऊपर रश करने। अगर उसकी एक गोली भी पड़ जाती तो टाटा बाय बाय, गया खत्म एकदम, गुड बाय। जैसे मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, मेरे को वो शॉटगन वाले की फुटस्टेप्स आती है। फिर इसको हम लोग इजीली नॉक कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं। फिर यहाँ से हम लोग को 8 किल मिलने के बाद हम लोग हैप्पी हैप्पी जा रहे थे यहाँ से बाहर।
जस्ट बिकॉज मेरे को लगा अब यहाँ कोई नहीं है, तो मैं ऊपर ऐसे ही गया ऊपर ढूंढने, तो फिर से मुझे फायरिंग आई और मैं फिर से गया बंदा ढूंढने, बिकॉज इस बार तो मेरे को उसको मार के रखना था। तो यहाँ पर मुझे फाइनली स्पॉट हुआ और देखो मेरी 1 HP कर दी, मेरी फट गई। मैं नीचे गया पहले हील के लिए, जस्ट भागा मैं, बिकॉज मेरे को लगा मेरे पे रस होगा, बट वो भी थोड़ा मोरा डैमेज था, सो उसने रस भी नहीं किया। और वो कैंपर है, डर लग रहा होगा उसको मे भी मेरे से, क्योंकि मैं जोनाथन का प्रो, जोनाथन से ज़्यादा प्रो हूँ, आई मीन मजाक कर रहा हूँ। तो मैं वापस से गया ऊपर रस करने, एंड इस बार मेरे को लगा वो वापस से होगा सीढ़ी पे, बट नहीं था। सामने स्पॉट हुआ, पिक किया और ये डैमेज, तो फिर वो वहाँ से भागने लगा, तो मैं वैसे ही रस कर दिया, एंड फाइनली ये ख़त्म। जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया उसको फाइनली मारा। फिर मैं यहाँ आया और यहाँ आते मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ, तो मैं हील लगाने लगा, पता नहीं क्यों मेरे से क्लिक हो गया, मैं यहाँ स्टक हो गया सामने रहा बंदा, और इसको भी इजीली मार के यहाँ से हमें यासना से 10 किल मिल गए। फिर हम लोग और किल के लिए यासना से बगी लेके और किल की तलाश में निकल गए, बट स्कूल आके भी हमें पूरे खाली ही मिला, बिकॉज यहाँ पे क्रेट्स पड़े हुए थे, जीप देख सकते हो आप सामने क्रेट्स, तो मेरे को लगा यहाँ बंदे होंगे मे बी, बट यहाँ कोई था नहीं। मैंने पूरा गाड़ी घुमाया बट कोई मिला नहीं। सो मैंने ट्राई किया कि किसी घर में हो या फुटस्टेप्स आए तो मैं रुक के यहाँ पे होल्ड करूँ, बट किसी भी घर में एकदम पीसफुल था सब, सुन सन्नाटा कोई नहीं यहाँ पे, लग रहा था बहुत गंदी वाली फाइट हुई है। और ये मैंने गाड़ी ठोक दिया तो सही लगाना ज़रूरी है, तो मैं सोचा अब यहाँ से निकलते हैं। फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ पोचिंकी की तरफ, बिकॉज मेरे को लगा पोचिंकी ही बंदे मिलेंगे, लास्ट होप वही था। तो मैं यहाँ से सीधा निकलता हूँ पोचिंकी की तरफ, पोचिंकी आती हमें स्क्वाड हाउस पे कोई नहीं मिला, जस्ट बिकॉज कोई था ही नहीं। फिर मैं आगे आया तो वैसे ही मेरे को पीछे से फायरिंग आई, तो मैं डर गया कोई रस तो नहीं करता, तो मैंने यहाँ होल्ड के गाड़ी लगाई अपनी और मैं रूम में गया, पहले ऐसे स्पॉटिंग की बट कोई दिखा नहीं मेरे को, कोई था भी नहीं वहाँ पे, तो मैं अंदर गया एंड क्या होल्ड किया कि कोई मुझे दिखे, कोई फायर दे तो मैं पीक करके मारूँ। फिर मेरे को गाड़ी की साउंड आई, गाड़ी की साउंड आती है मैं घर में डर के मारे चला कि मेरे पे रस हो रहा है। फिर मैंने यहाँ होल्ड किया, गाड़ी स्पॉट करने की कोशिश की, बट कोई कार हमें स्पॉट नहीं हुई। तो मैंने कोशिश किया कि यहाँ से पीक लूँ, कहीं से मुझे स्पॉट हो। फिर मैं सोचा वहाँ से देखो मेरे को गाड़ी की साउंड है, तो मैं वापस से गया ऊपर पूरा फ्लैंक करके कि मैं उन्हें मार दूंगा कि वो लोग यहाँ पे होल्ड किए होंगे मे बी। तो मैं पूरा फ्लैंक करके जाता हूँ यहाँ पे इसके ऊपर, बंदे दिखेंगे मुझे, बट यहाँ कोई रहता नहीं है, तो मेरा पूरा टाइम यहाँ पे वेस्ट होता है बस ढूंढने में बंदे, बिकॉज कोई एनिमीज यहाँ रहते नहीं, वो लोग गाड़ी लेके निकल जाते हैं मे बी, या कहीं होल्ड करते बट मुझे पता नहीं चलता है। तो मैं यहाँ आता हूँ यहाँ पे देखता हूँ पहले इसको, बट चर्च में भी कोई रहता नहीं है बिकॉज पूरा चर्च खाली था। मेरे को लगा कि सामने होंगे बट यहाँ कोई नहीं था, तो मैं ऊपर जाके सोचा कि कुछ स्पॉट करूँ, कोई दिखे मेरे को, बट सामने भी कोई दिखा। तो मैं सोचा स्क्वाड हाउस पे देखता हूँ मे बी वो लोग वहाँ वापस चले गए होंगे, बट स्क्वाड हाउस भी पूरा खाली एकदम। तो मैं सोचा कि टोटल फ्लैंक करके जाता हूँ अब, और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। स्पॉटिंग की बहुत कोशिश की बट कोई वहाँ मिला नहीं, तो मैं सोचा फ्लैंक करके ही जाता हूँ, लास्ट होप वही है। तो पूरा घूम के मैं गया स्क्वाड हाउस, बिकॉज मेरे को लगे कि वहाँ बंदे होंगे मे बी, बिकॉज वहाँ से मेरे को फायर आई थी और ये गाड़ी वालों ने भी वहीं पर रस किया था, तो मैं वही करता हूँ। फिर मैं सोचा थोड़ी देर और यहाँ होल्ड करता हूँ, होल्ड करने के बाद भी बट मुझे कोई दिख नहीं रहा था। तो फाइनली मैं सोचा कि पूरा फ्लैंक करते हैं, फ्लैंक करने में फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो फाइनली हम लोग फ्लैंक करके आ चुके स्क्वाड हाउस पे, बट यहाँ भी मुझे डर लग रहा था बिकॉज कैंप ना कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि नेड कुक करता हूँ और फेंकता हूँ, तो मैंने नेड कुक किया और यहाँ सीढ़ी के पास फेंका कि कोई सीढ़ी के पास कैंप ना कर रहा हो, तो फिर भी यहाँ कोई रहता नहीं, तो मेरे को लगा पूरा एम्प्टी है, कोई नहीं है, बट मैंने चांस नहीं लिया बिकॉज अच्छा मैच जा रहा था। सो मैंने एक नेड फेंका बट कोई था नहीं, तो सो मैंने हिम्मत करके रस की, बट यहाँ कोई रहता नहीं है, पूरा खाली था। तो बट बंदे गए कहाँ वो मेरे को भी नहीं पता। फिर मैं बिना देरी के हुए जोन के लिए निकल जाता हूँ, बिकॉज मेरे कोई बंदे स्पॉट हुआ भी नहीं वहाँ पे। वहाँ पे थोड़ा लूटपाट करके मैं निकल जाता हूँ जोन के लिए, बिकॉज जोन मेरे एकदम अलग बना हुआ था, वो भी रजॉक में। तो मैंने सोचा पहले ही जाके हील होल्ड कर लूँगा, हील पे अच्छा पोटेंशियल मिलेगा मेरे को और थोड़े मोरे किल भी मिल जाएंगे। तो मैं सीधा गाड़ी लेके निकलता हूँ हील पे, मेरे सारे टीममेट्स भी वहीं पे थे, तो सीधा निकलता मैं हील की तरफ रजॉक हील। और हील पे पहुँचने से पहले मेरे को ये भी डर था कि कोई बंदा वहाँ पहले से ना हो और मैं मर ना जाऊँ। मैं आ चुका हूँ हील पे, गाड़ी लगाई सीधी एकदम सलमान खान की स्टाइल में ठोका मैंने, एंड सडन मुझे अच्छा खासा डैमेज मिल गया। तो मेरे को बंदे स्पॉट हुए सामने पहाड़ी पे,
वहां लेटे हुए थे दो बंदे, एक बंदा खड़ा था, मैंने हील लगाया वैसे ही मुझे पीछे से एक बंदे ने M24 मार दी, बट मेरे को कोई चांस नहीं था, मेरे को लगा मेरे टीममेट्स मुझे बचा लेंगे बिकॉज वो यहाँ पे आ चुके थे, बट फाइट इतनी इंटेंस थी, हम लोग सैंडविच बन चुका था, हम लोग का कोई फायदा भी नहीं था मेरा, तो मैंने सोचा मैं पेड़ पे जाके होल्ड करता हूँ बिकॉज M24 वाला बार बार शॉट्स दे रहा था, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं बोला अपने टीममेट्स को भी नेड नेड बोलना स्मोक करने के लिए, बट किसी ने स्मोक किया भी नहीं और पीछे से फाइनली उन्होंने मुझे फिनिश कर दिया। ये मैच अच्छा गया, आई नो आखिरी चांस तक खेले हम लोग अकेले, रैंडम टीममेट्स का कोई फायदा नहीं है, अच्छे टीममेट्स मिलेंगे, कोई टीममेट्स है कमेंट में तो जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब।